मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता दी मेडिसिटी हॉस्पिटल गुड़गावा। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के एक अनयूजुअल और रेयर प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, जिसको पेजेट्स डिजीज़ ऑफ द निपल कहते हैं। बट पेजेट्स डिजीज़ ऑफ द निपल कोई अलग से डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये ब्रेस्ट कैंसर का ही एक प्रेजेंटेशन है। यूजुअली पेशेंट निपल के ऊपर कुछ एक्सकोरिएशन, कुछ छिला हुआ, कुछ खुजली, कुछ जलन करके प्रेजेंट करते हैं, और ऑलमोस्ट इन 90% केसेस ये पेशेंट्स पहले स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और वो इसको एक्जिमा की तरह यूजुअली ट्रीट करते हैं। और इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, बिकॉज एवरी निपल एक्सकोरिएशन या खुजली कैंसर नहीं सोचना चाहिए। तो इनिशियली ये पेशेंट्स एक्जिमा की तरह ट्रीट होते हैं, और कभी कभी एक महीने से लेके 3 से 6 महीने तक ये एक्जिमा की तरह ट्रीट होते हैं। जब ये ठीक नहीं होते हैं, तब फिर डेफिनेटली माइंड में आता है कि एक्जिमा नहीं है, ये कुछ और हो सकता है। बेसिकली जो पेजेट्स डिजीज़ है, ये अगर सिर्फ निपल तक लिमिटेड है, तो यूजुअली ये नॉन फैलने वाला कैंसर, जिसको DCIS कहते हैं, उसका एक हिस्सा होता है। बट अगर निपल के साथ साथ एरियोला इन्वॉल्व हो जाए, ब्रेस्ट के नीचे का हिस्सा इन्वॉल्व हो जाए, तब फिर इसमें इन्वेजिव कैंसर का भी एलिमेंट आ जाता है। जब मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड या MRI नहीं था, तो यूजुअली ये पेजेट्स डिजीज़ को ऑलवेज एक इन्वेजिव कैंसर की तरह सोचा जाता था, और यूजुअल ऑपरेशन पूरी ब्रेस्ट को निकालने का होता था। लेकिन अब चूँकि हमारे पास डीप में ब्रेस्ट को डायग्नोसिस की फैसिलिटी है, MRI, मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, और अगर हम पेजेट्स डिजीज़ को अर्ली स्टेज में पहचान लें, तो हम इसको ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी भी सोच सकते हैं। अगर सिर्फ निपल और एरियोला का इन्वॉल्वमेंट है, उसके नीचे के टिशू का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेरा टेक होम मैसेज ये है कि पेजेट्स डिजीज़ ऑफ द निपल कोई अलग से डिजीज़ नहीं है, ये ब्रेस्ट कैंसर का एक प्रेजेंटेशन है। और अगर कोई भी एक्जिमा टाइप सिचुएशन जो निपल के ऊपर है, अगर 2-3-4 हफ्ते में ठीक नहीं हो रही है, तो हमको एक इंडेक्स ऑफ सस्पिशन लेके चलना चाहिए कि ये पेजेट्स हो सकता है। क्योंकि अगर पेजेट्स को हम बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लें, तो ब्रेस्ट सेविंग कर सकते हैं। हाँ, अगर लेट हो जाए और ब्रेस्ट के नीचे गांठ भी आ जाए, देन ये इन्वेजिव कैंसर में कन्वर्ट हो चुका होता है और ब्रेस्ट को सेव करना मुश्किल होता है। बाकी जो भी ट्रीटमेंट हैं, वो जैसे कि और अदर ब्रेस्ट कैंसर को हम करते हैं, उसी प्रिंसिपल्स पर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या हार्मोनल थेरेपी पेजेट्स डिजीज़ में भी दी जाती है। धन्यवाद।